आग दिखा चैनल से। आग लग गई, 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 आग लग गई। अरे मेरे ऊपर भी आग लग गई, मेरे ऊपर भी आग लग गई, 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 आग लग गई। हेलो, फ्रिया से सोनू बात कर रहा हूँ। ये स्टील यार्ड में आग लग गई है, एक आदमी झुलस गया है और एम्बुलेंस भिजवा दीजिए फटाफट से जल्द। हमारे साथ हैं, इनके साथ शामिल हो जाएंगे। उनका आ रहा है। कैसे है? ठीक। अरे ये हाथ पे चल गया, इनके पे हाथ भी चल गया। उठा 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 उठा, ले लो इनको, उठा के स्ट्रेचर पे, स्ट्रेचर पे आराम से हाथ पर पकड़ना। फर्स्ट एड पॉइंट पे लेके चलो, जल्दी फर्स्ट एड सेंटर पे ले चलना है। चलो उठाओ उठाओ उठाओ। हेलो 100 नंबर, प्लीज आप थोड़ा प्लांट पे आ जाइए, लतीफपुर में रबड़ी वाले रोड पे, एक एमरजेंसी है, तो प्लीज आप जल्दी से आइए क्योंकि हमारा एक बच्चा, एक एक्सीडेंट हो गया सर, आग लग गई है, एक आदमी झुलस गया है, उसको एम्बुलेंस बुलाया गया है, एम्बुलेंस से अभी उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। अभी ट्रीटमेंट दे, कंडीशन इज ओके। हाँ सर, कंडीशन ओके। सर को बताओ थोड़ा, फर्स्ट ट्रीटमेंट, फर्स्ट ट्रीटमेंट किया, कुछ हो गया? फर्स्ट एड कर दिया? फर्स्ट एड दिया है सर। अभी कोई इशू सीरियस में? नहीं, सीरियस नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बीपी वगैरह नॉर्मल है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो थोड़ा सा हाथ पे जला था, बर्नोल वगैरह लगा दिया, अभी ठीक है, लगा दिया हमने, ठीक है। फिर से एक बार ट्रेनिंग, इंडक्शन, इंडक्शन एक बार फिर से जो है सबको इस चीज का ट्रेनिंग। हाँ यस, बताते हैं क्या हुआ है, आप आ जाओ इधर, आ जाओ आप लोग, कुछ पूछना क्या हुआ है। वो लोग आ रहे हैं, वीरेंद्र जी पॉश। क्या हुआ, क्या हुआ सर? एक मिनट बताते हैं, बताते हैं। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, हम लोग मॉकड्रिल कर रहे थे और जस्ट देख रहे थे कि अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो हम लोग का जवाबदेही कैसा है और किस तरीके से एक दूसरे की मदद हम कर रहे हैं, वो चीज़ हम चेक कर रहे थे, मतलब इमरजेंसी चेक कर रहे थे। तो ये फायर का एक्सीडेंट का एक हमने मॉकड्रिल किया था, ठीक है। अभी सर आपको डिक्लेयर करेंगे इस चीज़ के बारे में। सर अभी जैसे आपको पीछे चश्मा जी ने बताया, ये मॉकड्रिल एक्टिविटी थी, ये मॉकड्रिल जो सिनेरियो क्रिएट किया गया था एक सिंपल फायर का था, फायर से एक आदमी इंजर्ड हुआ, तो इंजर्ड होने के बाद आप कितने प्रिपेयर हैं, कभी समझ कोई भी इंसिडेंट होता है तो इंसिडेंट हो गया, क्यों हुआ, वो सब तो एक्टिविटी बात की है कि हम कैसे हुआ उसको फ्यूचर में कैसे अवॉइड करें, ठीक है, वो तो दैट्स सेपरेट पार्ट, बट क्रिएट हुआ, हैंडल करने के लिए आप कितने प्रिपेयर हैं, उस प्रिपेयरनेस को चेक करने के लिए ये मॉकड्रिल एक्टिविटी की जाती है। तो हमारे ख्याल से ये मॉकड्रिल ड्यूटी जो चंद्र जी ने ऑर्गेनाइज किया, दैट वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड, और हम लोगों का सबका जो रिस्पांस टाइम रहा दैट वाज वेल विद इन द डिफाइंड लिमिट, क्योंकि हर एक्टिविटी की एक डिफाइंड लिमिट होती है कि कुछ भी हुआ तो कितनी देर में एम्बुलेंस होना चाहिए, कितनी देर में आपको हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, और भी रिलेटेड जो एक्टिविटी है सबका टाइम फ्रेम है, 2-1 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, जो भी टाइम लाइन है, तो दिस इज अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज एंड आई अप्रिशिएट चतुर्वीर जी, और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग कभी भी फ्यूचर में, हमारी उम्मीद होगी कि आप कभी ऐसा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, आप लोग जो काम करें विद फुल सेफ्टी, पूरे प्रिकॉशन के साथ, जितने भी आपके
सेफ्टी पीपीज है, सबको यूज करते हुए। बट खुदा न खास्ता कभी कभी क्या होता है, कुछ इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं कि आपने बहुत कुछ प्रयास किया, फिर भी 100 में एक आदमी थोड़ी सी लापरवाही किया और इंसिडेंट हो गया। बट उसके बाद भी अगर आप लोग का ऐसा कुछ हुआ तो आप लोग इसी तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे ताकि उस इंसिडेंट का जो आफ्टर इफेक्ट है उसको हम लोग मिनिमाइज कर सकेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अच्छा सहयोग रहा इसमें। पर मैं यही कहूँगा, ये जो इमरजेंसी है ये हमेशा हमको इसके लिए तैयार रहना चाहिए, पर ये कब हो जाए किसी को कुछ नहीं मालूम। हमको इसी तरीके से एक दूसरे की मदद करना चाहिए। मान लीजिए कोई आदमी झुलस गया या कोई बेहोश हो गया गर्मी में, या किसी को करंट लग गया, या किसी व्हीकल से टकरा के गिर गया, चोटिल हो गया, तो ऐसे व्यक्ति कुछ होता है तो छोड़ के नहीं भागना चाहिए। मैंने बहुत जगह ऐसा भी देखा है कि लोग छोड़ के भाग जाते हैं, कमजोर दिल वाले कुछ लड़के कुछ साथी होते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं और छिप जाते हैं, बताते भी नहीं है किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ है बोल के। तो उसमें क्या, वो व्यक्ति जो नहीं होना था उसके साथ तो वो हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर होता है तो घबराना नहीं है, अपने आप को पहले संतुलन में रखना है, अपने आप को पहले संतुलन में रख के फिर आगे वाले को सांत्वना देना है। जो व्यक्ति चोटिल हुआ है उसको सांत्वना देना है, घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अभी मैंने फर्स्ट एड टीम को बुलाया है, एम्बुलेंस आ रही है, दवा दारू तुम्हारी अभी तुरंत कराएंगे, घबराना नहीं है, कुछ नहीं हुआ। चाहे बेशक उसको ज़्यादा चोट लगा, तुरंत इमीडिएट हाथों हाथ इंसिडेंट की खबर करना है उच्च अधिकारी को, संबंधित उच्च अधिकारी जो है उनको आप तुरंत खबर करेंगे। आपका जिम्मेदारी है, आप अपने शायर इंचार्ज इंजीनियर को खबर करेंगे, इंजीनियर का जिम्मेदारी है वो अपने उच्च अधिकारी जो भी हैं उनको खबर करेंगे। ये खबर करने का एक चैनल है ताकि आपको जल्द से जल्द आपको सहायता मिल सके, है ना। सहायता मिलेगी तभी जब हम तुरंत खबर करेंगे। खबर करने के लिए हर आदमी के मोबाइल हेलमेट पर नंबर लिखे हैं, दिखा, सबके हेलमेट है, नंबर है। हाँ, तो अगर बाई चांस नंबर मिस हो रहा है तो आप कहीं से भी इधर से हेलमेट पे लिखा है कोई आदमी से कॉल करा दो, अगर दूरी पर है तो, है ना। आग लगी थी? जी सर लगी थी, लेकिन आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं सर। जले तो नहीं? दिखाओ हाथ, दिखाओ, देखो देखो आगे करो, ये जले नहीं है। हम एक मॉक ड्रिल कर रहे हैं जिसमें आपने बड़ा अच्छा सहयोग दिया और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमेशा एक दूसरे का सहयोग करिए, हम लोग हमेशा आगे बढ़ेंगे, सुरक्षित तरीके से घर जाएंगे, जैसे आए वैसे जाएंगे, चार पैसा अपना जेब में लेके, जिससे हमारी जरूरतें पूरी हो हमारे घर। सेफ्टी।